सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है. टास्क के दौरान वी यूज टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे. तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. चाहूँगा कि माहिरा अभी नहीं आए, क्योंकि अगर माहिरा आ गई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का. मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत करो फिर करते हैं फाइट. उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, वो कुछ देखना भी नहीं जो जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है. ऑफकोर्स ये बात है, बिग बॉस के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि लोगों को काम नहीं मिलता और फ्लॉप हो जाते हैं, लाइफ ख़त्म हो जाती है. मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, तो इससे ज़्यादा लकी बात तो मिले और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बिग बॉस 15 तारीख को हुआ एंड देन वी स्टार्टेड शूटिंग ऑन 16th, विच इज़ ग्रेट. तो ऑफकोर्स मेरी जर्नी इतनी अमेजिंग रही होगी, जो लोगों को इतनी पसंद आई है और कलर्स वालों को भी इतनी पसंद आई है कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ऑफर दिया, जहाँ पे वो एक शो भी रहेगा और मेरे लिए एक वो रहेगा कि मैं अपने लिए कंपेनियन भी ढूंढ पाऊँगा. अब यहीं पे कितनी सारी बातें हो जाती हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि पहले हमने स्ट्रेटजी बनाई थी. अगर स्ट्रेटजी बनाई थी और मैं उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से अंदर चला हूँ तो आप इतने बढ़ गए क्यों? आपको तो पता था शांत रहते, तो स्ट्रेटजी नहीं थी, आपने कुछ देखा इसलिए आप भड़ गए. अब आप अलग 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 इंटरव्यू दे रहे हो. अगर आप इतना प्यार करते हो और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट करते हो और क्या बोलते हैं सपोर्ट करते हो, तो ऐसी बातें नहीं करते होते. हाँ सर, देखिए तो जैसे हम नॉर्मल लाइफ में जीते हैं, कभी किसी से दुश्मनी होती है तो कभी कोई वो बंदा दोस्त बन जाता है. तो सिद्धार्थ और मेरा ऐसा था कि हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, पर गलत इंसान नहीं है. टास्क के दौरान वी यूज टू फाइट, वरना तो हम नहीं करते थे. तो वो ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए. जी वाई नॉट, मतलब दोस्ती से ही हम बाहर निकले हैं और एक बहुत अच्छे नोट पे बाहर निकले हैं. डेफिनेटली हम अभी कम में किसमें स्वयंवर क्यों बाहिरा फ्रेंडशिप है, सिडनाज भी फ्रेंडशिप है, और लोगों ने उस चीज़ को अगर कपल बना दिया है तो वैसा है नहीं, वो लोगों पर नजर ही है उसको देखने का, पर है हम फ्रेंड्स ही. और अगर हम ये शो कर रहे हैं तो ऑफकोर्स ये बात है हमारे फ्रेंड्स को भी पता है, क्योंकि दुनिया को पता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. शायद लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, पर ऐसा है नहीं. तो इसलिए ऑफकोर्स मैं मायरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने तो हो ही चुके हैं उस घर में रहते रहते, और सेम अब उसी घर में ही वापस से जाना है. तो ऑफकोर्स मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, एंड आई होप कि वो कोई मेरी फ्रेंड के रूप में अंदर आए और कुछ मेरी हेल्प करे, यू नो. पर हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि माहिरा अभी ना ही आए, क्योंकि अगर माहिरा आ गई तो बाकी की लड़कियों को शायद फिर मौका ना मिले बात करने का. इसलिए मैं सबसे पहले बातचीत करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि कौन कैसे है क्या है, फिर उसके बाद देखते हैं. यार ये ना कुछ स्वयंवर वयंवर है नहीं, ये स्वयंवर का एक रेफरेंस है. ये वो जो पहले जो स्वयंवर है वो सब नहीं है, ये एक रेफरेंस है. ये शो बहुत डिफरेंट है और आप जब देखेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है. अब देखो मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. स्पिट्सविला में हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे और उसी ने ही मुझको उस शो में डंप किया था, क्योंकि उसके पास पावर थी कि यू कैन डंप अ गाय. तो मैंने उसको बोला था कि अगर हिम्मत है तो रोक फिर करते हैं फाइट. उसने बोला मैं रिस्क नहीं लेना चाहता. तो ठीक है, उसका सोच है कि इस रिस्क उसको लगता है मुझसे, तो एक अलग बात है. बाकी
कुछ भी उसने बोला क्या बोला मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बिग बॉस के पास सीधा यहाँ आया हूँ, उसके पास सीधा मैं घर में जाऊँगा और मुझे वो कुछ देखना भी नहीं जो जो किसी ने कुछ भी फालतू बोला है, क्योंकि लाइफ में मेरे अभी तक बिग बॉस करने के बाद यू नो आई एम हैप्पी पॉजिटिव डूइंग अ न्यू शो सो पॉजिटिव आई डोंट वॉन्ट दिस नेगेटिविटी अराउंड मी. और हाँ, बिग बॉस 13 सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और किसी भी सीजन से सबसे ज़्यादा फेमस हुआ. आप कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जेलस हो सकता है या फिर कॉम्पिटिटर भी मान सकता है, या फिर उसको मैं पसंद भी नहीं हो सकता हूँ, या तो उसको मैं कुछ भी लग सकता होता हूँ, वो उसकी सोच है. पर ठीक है, हमने लाइफ में कर लिया है, हमारे भी फैंस हैं, आपके भी फैंस हैं, आप ऐसा बोल के मेरे फैंस को वो मत करो और हम आपके फैंस को बोल के ऐसा नहीं करेंगे. ये फिक्स वाली बात मुझे समझ नहीं आती, फिक्स कुछ नहीं होता इस शो में. अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको जनता देख नहीं रही है, देन वो आपको वोट भी नहीं करेंगे, बोलेंगे जाओ. सिंपल सी इजी बात है. किसी ने कुछ किया, अपने व्यक्तित्व दिखा, सिद्धार्थ का बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व दिखा, उसकी अच्छी बैड क्वालिटीज़ और सब सारी क्वालिटीज़ उसकी दिखी, फ्रेंडशिप रोमांस ये सब कुछ देखा हमने उसका, तो डिजर्विंग था, टास्क अच्छे किए तो जीत गया वो. और एक ये भी कहा जाता है कि टास्क में आप डिस्क्वालीफाई करने की बड़ी कोशिश किया है, नहीं वो रद्द करवा दो, ये रद्द मैं करवाता नहीं था, वो रद्द हो जाता था क्योंकि मैं कोई ऐसी टेढ़ी चाल चलता था. आप कभी भी बिग बॉस से कोई भी टास्क उठा के देखना, मैं हमेशा ऐसी टेढ़ी चाल चलता था कि लोग पागल हो जाते थे और वो तोड़न दाड़ी शुरू करते थे, वो करते थे तो ब्लेम मुझ पे आता था. मैं कहता था ओके रद्द ही सही, ठीक है मैंने तुम खुद कर लो. यार इसको मैं कैसे बोलूँ, क्योंकि हमने शो में एक दूसरे को जनानी नल्ला बड़वा क्या क्या बोला है, बहुत कुछ बोला है, तो एक सिर्फ नल्ला ही वर्ड नहीं बोला, और भी बहुत कुछ बोला और उसने भी हमको बहुत कुछ बोला है. पर हाँ अच्छी बात है दैट ही वॉज इन टॉप टू, अच्छा लगा उसको देख के, वहाँ पर लोगों ने उसको इतना प्यार दिया है, मैं बाहर आके देख रहा हूँ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है. तो अब इस पर मैं और क्या बोल सकता हूँ, मुझे तो लगता है कि टॉप टू पे जाके से फिर सेट होने का मतलब नहीं होता. जनता को मैंने तो नहीं सुना, मैंने बहुत सारे लोगों को सुने हैं जिन जिनके मैं अकाउंट पे गया हूँ, अभी जितना मैंने फ़ोन पे देखा है अपने अकाउंट से, जितने भी लास्ट सिक्स थे सबके अकाउंट पे गया, सबको लगता है असली विनर वही है, सबके उनके फैंस ने उनको असली विनर बना रखे हैं. तो आसिम भी है असली विनर, मैं भी हूँ असली विनर, सिद्धार्थ भी असली विनर, आरती भी है, मायरा भी है, शहनाज भी है, और सबसे बड़ी बात है कि विनर कौन हुआ, सिद्धार्थ, हु गॉट द ट्रॉफी और 10 लाख मुझे मिले. सिद्धार्थ हमारा जीता है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेट टू हिम, एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो जीता है. अगर मेरे पास ही तो उसी के पास जानी चाहिए थी, अगर किसी और के पास जाती तो मैं कहता कि फिक्स है. अभी तक तो मुझे तो फिक्स नहीं लगा क्योंकि डिजर्विंग मुझे सिद्धार्थ ही दिखता है उस शो में. अच्छा जो वो गिफ्ट प्राइस था, मुझे कहीं ना कहीं फील आ रही थी कि वो वाइब भी होती है ना, एक जब मैं एक शो जब जीत रहा था जिस दिन, उस दिन सुबह सुबह एक वाइब आई थी कि हाँ आज मैं जीत रहा हूँ, पक्की वाली फीलिंग थी. पर उस दिन मुझे वो फील नहीं थी, पर हाँ ऐसी फीलिंग थी कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा जो होगा. तो जब मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अगर मैं इस राउंड को छोड़ के एक राउंड भी आगे जाता हूँ तो हो सकता है सलमान से यूँ बोल सकते हैं कि आपका टाइम ख़त्म होता है, पर मुझे वो मौका ही नहीं देना था उनको बोलने का, और खुद जाना था वो भी प्राइड की यू नो प्राउड के साथ जाना था और अच्छा फील. आपकी आपकी गेम को पसंद किया, अच्छा हाँ मतलब ऑफकोर्स ही बात है, जो लोग फैन लोग हैं उनको गेम पसंद आया ही होगा, जो लोग नहीं हैं उनको शायद नहीं पसंद आया होगा, तो जिनको पसंद आया उनको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरा साथ दिया और खूब सारे वोट्स दिए और आखिर तक बचा के रखा. थैंक यू. आगे की किस स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी सुंदर के बाद, क्या आपको मैंने बिग बॉस के बाद की भी स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी कि मैं क्या करूँ, मुझे लगा था कि मैं यू नो फेम को थोड़ा सा इन्जॉय करूँगा, पर अभी जैसे ही बिग बॉस खत्म हुआ दूसरा शो मिल गया, नई स्ट्रेटजी इस शो की शुरू हो गई है, जब ये खत्म होने लगेगी फिर नेक्स्ट जो आएगा उसके हिसाब से स्ट्रेटजी होगी. तो
मतलब अच्छा मैं अपने फैंस को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने जितना भी सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन जिन लोगों ने मुझे हेट किया ट्रॉल किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके दिमाग को मैं बजाता रहूँगा हमेशा। थैंक यू, कैन नॉट इग्नोर मी। थैंक यू। आकांक्षा की एलिगेशन वो तो देखो, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, अंदर भी मैं भड़क गया था जब मुझे पता चला कि कुछ ऐसी ऐसी बात हुई है। उसके बाद जब मैं बाहर आया, उसके बाद जब मैंने वीडियोस देखी कि क्या चल रहा है, जब कोई सैड होता है, ब्रेकअप होता है, उतना इतना हंसते खेलते एंजॉय करते हुए इंटरव्यू नहीं देता किसी की, है ना। मीडिया समझती है सब कुछ, जनता समझती है सब कुछ। तो मैं देख रहा था कि ऐसा क्या हो गया इंटरव्यू में, मैं देखा तो मुझे खुद हंसी आ गई। मैं कहा ये बकवास है, कोई बात नहीं, लोग समझ रहे होंगे, मुझे इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ठीक है, जो करनी अच्छा है ले लो।